और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को सतरंगी सलाम। जय फातिमा, जय फूले, जय मंडल, जय भीम, जय फूले। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं, वो तारा जी की तरफ से भी हैं और अन्य जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी हैं, जो वहाँ पे दीदी बैठी थी उनकी तरफ से भी है। तो मैंने कुछ लिखा था तो उसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी, शायद उसके रूप से मैं उसको थोड़ा समराइज कर पाऊँ। बस इस चलते औरत को श्रृंगार की जरूरत है ताकि मर्द की जरूरत को पूरा करे। मर्द की जरूरत तो है ना उसे, ताकि अकेले बाहर निकलने से ना डरे। उसको रहना घर की चार दीवारी में है, जिसकी रेखा तय करने का हक इन मर्दों को है। उस रेखा के बाहर अगर निकली तो बलात्कार हो जाए तो पूरी गलती इनकी। समय का ध्यान रखना था ना, कपड़ों से बदन को थोड़ा ढक लेती। समय का तकाजा नहीं इस नासमझ को, मर्द है भाई, बहन गए थोड़ा इज्जत लूटने को। अब पुरुष है उन्हें कौन समझाए, उनके सामने तो आधी आबादी सर झुकाए। ये पितृ सत्कार है, यह औरतों का हक नहीं कि वह सवाल उठाए, वरना है ना घर में लाठी चप्पल जूते, उससे वो हर पेट मार खाए। अब जिस महिला को आवाज उठाने का हक नहीं, वो आखिर दूसरों की आवाज क्या बनेगी भाई। मगर ये सब सुनकर अब औरत की भी हो रही है अपने अंतर ध्वन से लड़ाई। सोचा उसने एक बार कि क्यों ना मैं मुंह खोलूं, आखिर क्यों ना मैं अपने भीतर के दर्द को बोलूं, क्योंकि जो कुछ मैं बीत रही है वो आधी आबादी की हकीकत है। राजनीति में उतरूंगी अगर, कर पाऊंगी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व, पर क्या मुझमें क्या काबिलियत है मुझमें, फंसी थी वो इस अगर बगल में। तब उसने सुना किसी को बोलते, शायद उनकी भावनाओं को उनके सामने खोलते, बड़ी खिलौनी सी जगह है राजनीति, या सच कहो तो सिर्फ मर्दों की राजनीति। एक पिता को सुना बोलते, मर्द को सुना सुनाते, तो क्या हुआ मैं नहीं MPMLA बन पाया। अरे बनेगा मेरा बेटा ही, इस बात को उसने दोहराया। एक सामान्य सोच को सुना बोलते, एक पितृ सत्ता सोच को सुना सुनाते, अच्छा है इसे खड़ा कर दो चुनाव में, कहीं भी जाए होगी तो ये हमारे पांव में। ये पढ़ने तो बड़ी खूबसूरत है भाई, कैसे पहुंची इतनी पर राजनीति में, समझ रहे हो ना, किया होगा इसने, क्या जरूर रखी होगी अपनी इज्जत किसी के पांव में। इन सब बातों को सुनकर वो थोड़ी सहम सी गए, पर हिम्मत करना भी जरूरी था क्योंकि लोग तो पांव खींचेंगे ही। सवाल एक महिला का था, उसने मन बना लिया है कि आगे बढ़ेगी वो, सवाल खड़े करेगी वो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी वो, राजनीति में पांव खड़ेगी वो, पितृ सत्ता के सामने ना झुकेगी वो, मनुवाद विचारों को पूछेगी वो। औरत है, औरत के वजूद की लड़ाई। आयरन लेडी ऑफ इंडिया का भी, उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
लेकिन इस बात को भी ध्यान में लाना होगा कि उन्होंने तीनों कार्यकाल में उनके कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी। वो तो आगे बढ़ी लेकिन साथ में आपको जो जिस आधी आबादी का हिस्सा है उसको भी आपको आगे ले जाना पड़ेगा, इसकी भी आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं थोड़ी भूल चूक उनसे हुई, उन पर भी कई लोग ठप्पा लगाते हैं कि इनके पिता थे राजनीति से आती है तो इनके लिए आसान रहा होगा। आसान नहीं रहा होगा क्योंकि वो औरत है, औरत के लिए कोई भी चीज आसान नहीं होती है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। उस इंदिरा जी ने दूसरे देश तक को बना डाला, दूसरे 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया और जो 56 इंच का सीना लेकर के घूम रहे हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं, आप इंदिरा जी को क्यों भूल जाते हैं? दूसरी तरफ मैं यहाँ पर फूले देवी का जिक्र करना चाहूंगी। फूले देवी का जिक्र तो बहुजन समाज करता है लेकिन आपको एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्या फूले देवी को आखिर फूलन क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उसने तमाम तरह के उन्होंने अत्याचार सहे, हर तरह के अत्याचार सहे, तब जाके उन्होंने आवाज उठाई, तब जाके उन्होंने हथियार उठाए। मैं यहाँ पर सभी महिलाओं को खास करके बहुजन महिलाओं को यहाँ से आवाहन देती हूँ कि आप लोग सभी लोगों को अपने अंदर की फूलन पर जगाना होगा। फूलन करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें, पर उनकी तरह आप सशक्त बने, ओजस्वी बने, किसी भी मठ के खिलाफ आप खड़े हो पाए, आपकी इनकी काबिलियत होनी चाहिए, इनकी हिम्मत होनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपके सामने एक ही रास्ता बचता है तो आपको फूलन को जगाने से, अपने अंदर की फूलन को जगाने से जगना नहीं चाहिए। आगे जब बात करते हैं तो फिर अभी कुछ देर पहले जो बोल के शिवाजी गई उन्होंने एक टर्म यूज किया था आम आदमी। जब आप आम आदमी बोल रहे हैं, जब आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि आम आदमी की बात होती है, आम औरत की बात कौन करेगा? आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा उसी वक्त आप आधी आबादी को भूल चुके होते हैं, उस औरत को आप भूल चुके होते हैं, जो आबादी का मनुष्य सभ्यता का हिस्सा है आप उसे भूल चुके होते हैं। आपकी तो इमेजिनेशन में ही सिर्फ एक लिंग विशेष आता है, फिर हमारी बात कौन करेगा? 3 से 4 संघर्षियां हो जाती है, उसके बाद हमारी बातें खत्म हो जाती है, आगे कौन निकल करके आता है? आप देखिए जिस समय असेंबली बनी उस समय महिलाओं की संख्या वहां पे 2% थी, उसके बाद थोड़े बहुत सुधार देखने को मिले, लेकिन हाँ उन 2% में भी कौन सी महिलाएं थी? वो राज घराने की महिलाएं थी, वो ऊंचे तबके की महिलाएं थी। उसके बाद भी जब बात आगे बढ़ती है 80 तक में 7 से 8% रहता है, 85 से लेके फिर आगे तक भी 2011 तक में वो 11% होता है, और 2000 जब 16वीं लोकतंत्र का चुनाव, 16वीं लोकतंत्र का चुनाव होता है, उसके बाद जब बनती है महिला तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा महिला को टिकट दिया गया और 61 महिला चुन करके आई। पर क्या आपको इस बात से शर्म नहीं आती कि जो 543 लोग वहां बैठे उसमें आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन 61 है और उसमें हम खुश हो रहे हैं? वहां पर भी हमें अपने सोच के ऊपर एक चिंता जाहिर करनी पड़ेगी, आगे सोचना पड़ेगा। लोहिया जी ने कहा था कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, ऊंची जाति, धन और ज्ञान। महिलाओं को तो तीनों चीज से कुछ महिलाओं को जो बहुजन महिला है उसे 2 चीज से उसे तो 3 चीज से वो हट जाती है उस कैटेगरी से, जो और जो बाकी महिला है वो 2 चीजों से उस कैटेगरी से हट जाती है, उसके पास तो ऊंची जात होती है पर धन और ज्ञान उसे मिल पाए ये बहुत कठिन होता है। और जो एजुकेशन की हम बात करते हैं तो महिलाएं जब वहां पे आगे बढ़ती हैं, सावित्री जी का नाम आता है, वो जब जाती थी उन पे कीचड़ फेंके जाते थे, गोबर फेंके जाते थे, उसके लिए वो 3 साड़ियां अपने पास ले करके चलती थी, मतलब एजुकेशन।
पंचायतों में, लेकिन ये लागू क्यों नहीं हुआ? दुबे जी ने सवाल उठाया था कि उनके हिसाब से सामाजिक जो समाजवादी पार्टियां हैं वही इसके खिलाफ है, पर मैं किसी और बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा।